अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, आज हम बनाएंगे चिकन लेंटिल सूप। हमने 1 कप चावल लिया है, प्रोटीन वाले जो डेली हम लोग यूज़ करते हैं वो चावल, 1 कप चावल लिया है। 1 कप चावल के लिए हमने आधा कप मूंग की दाल ली है, 1 कप हमने लिया है चिकन का खीमा, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा टेबल स्पून गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, मीडियम साइज़ का बारीक कटे हुआ टमाटो, मीडियम साइज़ की कटी हुई बारीक प्याज, बारीक कटा हुआ हरिया धनिया। सबसे पहले एक जार लेंगे, जार में हम चावल को डाल देंगे। चावल को थोड़ा दरदरा सा हम ग्राइंड करेंगे। चावल हमारे दरदरा से हमने ग्राइंड कर लिया है, जैसी सोजी होती है उसी तरह, उसी के साथ हम मूंग की दाल डालकर भी इसी तरह चावल में मिक्स करके दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। थोड़ी थोड़ी सी दाल दिखने लगे इस तरह से इसको ग्राइंड करना चाहिए। ये अच्छी तरह से बिल्कुल ग्राइंड हो चुके हैं जैसा हमको चाहिए था। इसी तरह एक बर्तन लेंगे, बर्तन में हमने 1 चम्मच खाने का तेल डाल लिया है, तेल गर्म हो चुका है। उसी के साथ हम प्याज को डाल देंगे, प्याज को थोड़ा हल्का सा हम गोल्डन फ्राई करेंगे, पिंक कलर नहीं करना है, बस थोड़ा इसका कलर बदलना चाहिए। प्याज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छी तरह से भून देंगे, जब तक इसकी कच्चापन ख़त्म होने तक इसको भून देंगे। ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसके साथ ही हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटो, ये भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जब हमारे टमाटर नरम होने लगे तो हम इसके साथ ही डाल देंगे सारे स्पाइसेस, इसको भी अच्छी तरह से भून देंगे, जब तक इसका कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको इसी तरह से भूनेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे खीमा, चिकन का खीमा। आप चाहे तो चिकन के बारीक पीसेस भी ले सकते हैं, बोनलेस चिकन के। खीमे का पानी छूटने लगा है, इसको अच्छी तरह से हम मसाले को और खीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये अच्छी तरह से भून चुका है, साइडों से भी तेल छूटने लगा है। अब जाकर हम जो ग्राइंड किया था दाल और चावल, इसमें डाल देंगे सारे स्पाइसेस। सब चिकन में डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि मसाले की बात ना रहे, कच्चेपन की बू ना रहे, तब तक हम इसको भूनते रहे। आप देख सकते हो दाल और चावलों का कलर कितनी अच्छी तरह से आ चुका है। इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे चावल और दाल डालने के बाद। ये अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब तकरीबन हमें इसमें 1.5 लीटर पानी डालेंगे, 1.5 लीटर पानी हमने डाल लिया और इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। फिर बीच में एक बार चम्मच चलाएंगे और मीडियम गैस पर हम इसको रखेंगे। इसमें जब तक एक उबाल ना आ जाए हम इसी तरह इसको पकाएंगे। अच्छी तरह से उबाल आने लगा है, दाल और चावल चिकन को अच्छी तरह से हम इसको गलाएंगे। ये बिल्कुल 5 मिनट में गल जाएंगे, क्योंकि हमने इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है और चिकन भी हमारा खीमा है। ये अच्छी तरह से गल जाएंगे, 5 से 6 मिनट में बिल्कुल गल जाएंगे। ये अब हमारा चिकन लेंटिल सूप बिल्कुल रेडी है। इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और पुदीना डालेंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से फिर 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे। आप देख सकते हो उसका थिकनेस इस तरह होनी चाहिए, ठंडी होकर और थोड़ी सी थिक हो जाएगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी, समोसा चूर कर आप इसको खा सकते हो। चिकन लेंटिल की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।